एक्सेलसियर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश गुप्ता। दर्शकों, जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में कई मुद्दे हैं और सरकार जो है अपने मूलभूत मुद्दों से जो है भटककर लोगों का ध्यान जो है एविक्शन ड्राइव की तरफ, प्रॉपर्टी टैक्स की तरफ जो है वो डाइवर्ट कर रही है, ताकि जो मूलभूत मुद्दे हैं जहाँ पर आम जनता का ध्यान वहां ना जाए। आज हमारे साथ विस्तार से चर्चा करने के लिए यहां पर ठाकुर गुलचैन सिंह चाड़क जी हैं, जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और यहां पर जो है बली बांती जम्मू कश्मीर से परिचित है। आइए इन्हीं से जाने की कोशिश करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका एक्सेलसियर न्यूज़ में। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, जो हालात है जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, बहुत अफसोसनाक हैं, बड़े दर्दनाक हैं और बहुत डर लग रहा है। 370 दफ़ा जाने के बाद सोचा था कि अब हालात ठीक हो जाएंगे और यहाँ पूरी गवर्नमेंट अपना ग्रिप बना के काम करेगी। अफसोस की बात यह है कि ये हमारे एलजी साहब हों चाहे हमारे जो सेंटर में बैठे हों, उनको प्रॉपर एडवाइस लगता है नहीं मिल रही। जिस तरीके से ये फैसले कर रहे हैं, कहीं दो पांव आगे चल रहे हैं, दो कदम दो कदम पीछे आ रहे हैं, ये बड़ी अफसोसनाक बात है। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि अनथॉटफुल डिसीजन नहीं लेने चाहिए ऐसी सेंसिटिव ड्यूटी के अंदर जो लिए जा रहे हैं। आप देखिए, ये एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जो शुरू की, ये वक्त गलत था और फिर कई जगह से इनको वापस आना पड़ा। अब ये प्रॉपर्टी टैक्स इम्पोज किया तो फिर वापस आने आ रहे हैं कुछ, और ये बता रहे हैं कि अच्छा जी, लोगों के पास अगर आईफोन है तो वो बात अलग है। क्या जम्मू कश्मीर को एक्सपेरिमेंट वाली लैंड बना दिया है कि यहाँ पर पहले एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, उसके बाद देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है? ठीक शब्द आपने इस्तेमाल किया, लेकिन एक्सपेरिमेंट बड़ी गलत जगह पर गलत एक्सपेरिमेंट हो रहा है। ऐसी सेंसिटिव सिचुएशन के अंदर तो बहुत समझी सोची एक प्लानिंग होनी चाहिए और लोगों से राबता रहना चाहिए जी। मुझे लगता है कि राबता टोटली ख़त्म हो चुका है, लोगों के अंदर खलबली है और गवर्नमेंट टोटली कंफ्यूज हो गई है कि क्या करें। अब देखिए, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाई, 10 कदम पीछे आना पड़ा इनको। अब ये प्रॉपर्टी टैक्स इम्पोज किया, अब देखिए क्या बयान आ रहे हैं कि हम लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर के, आप कौन है करने वाले? छोड़िए, आप बस छोड़िए, असेंबली पर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे वो फैसले करेंगे, वो कानून बनाएंगे, आप सब कुछ बनाने लग पड़ेगा, यहाँ कोई डिक्टेटरशिप तो आ नहीं गई। चड़क साहब, देश को आज़ाद हुए 75 साल के करीब हो चुका है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो आज तक जो है प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ पर इम्पोज नहीं किया गया। कई गवर्नमेंट्स रही, यूटी बनने के बाद जो है इमीडिएट टैक्स के ऊपर टैक्स जो है यहाँ पर इम्पोज किए जा रहे हैं, आखिर ये क्या दर्शाना चाहते हैं? ये गलत है, मैं कहता हूँ कि दे आर इल एडवाइज्ड। मैंने लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया है कि इस बेचारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को क्या पता लगेगा ग्रास रूट पर क्या हो रहा है, वो जो कुछ आकर उसको बताते हैं वो फटाफट फैसला अनाउंस करते हैं। गवर्नरशिप भी ऐसे नहीं चलती जी। लोगों के साथ अब देखिए, एक फैसला इन्होंने किया, मैंने 85 ऑर्डर तो कल मेरे पास पहुँचे हैं, एक जनरल ऑर्डर कर रहे हैं इनके तहसीलदार, ऊपर से ऑर्डर आया जी कि सब नंबरदार सस्पेंड। अब ये ग्रास रूट इंस्टीट्यूशंस हैं, आपके इन्फार्मर वहाँ बैठे हुए हैं, उनको पता है कि रात को इस गांव में कौन रहा, किसके घर खाना खाया, किस किस्म का आदमी यहाँ पर आया, जो सिक्योरिटी फोर्स को इन्फॉर्म करते थे कि मारे गए बेचारे, उन ग्रास रूट और आपके साथ एक कड़ी का काम करते थे, उन इंस्टीट्यूशन को ख़त्म कर दिया। कहते हैं जी वो लैंड माफिया बने हुए, वो लैंड माफिया तो कोई भी बन सकता है, अगर आप ग्रिप आपका नहीं होगा तो यहाँ सब बन जाएंगे। और दूसरा, एक डीएसपी अगर यहाँ कोई पुलिस अफसर कोई अगर मिलिटेंट्स के साथ इन्वॉल्व हो जाता है, इन्फॉर्मर बन जाता है, तो आप उसको सजा देते हो, पूरी पुलिस को डिसबैंड करते हो जी। तो एक कहाँ से ये कानून आ गया, कैसे ये कर रहे हैं, आई एम टोटली कन्फ्यूज अबाउट इट कि ये नहीं करना चाहिए। और मैं अपील करना चाहता हूँ, एक तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और एल जी, इनको नहीं पता, इसलिए मेहरबानी करके आपकी आंखें और कान बन के कोई एडवाइज़र काम कर सकते हैं, एडवाइजरी कमेटी बढ़ाइए, आप लोगों के साथ बात करनी है तो करने दीजिए, रहा अगर आपने वो करने, तो वो एक कनेक्शन नहीं बना रहे, अपने आप एक डिक्टेटरशिप के आर्डर फटाफट सुबह कानून बना दिया और शाम को टांगे खींचना शुरू कर दिए पीछे, कोई नहीं जब हम लोगों को पूछेंगे, पहले क्यों नहीं पूछा आपने? इसलिए मैं ये मांग कर रहा हूँ, एक तो एडवाइजरी कमेटी एक्सपेंड कीजिए, नंबर एडवाइज़र और अपॉइंट करिए, नंबर दो ये कानून ये फैसले आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो असेंबली के आएंगे उन पर छोड़ दीजिए। और एक मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ अपने पॉलिटिशनों को कि समझ लो कि आपके बुरे दिन आने वाले हैं, लोग बात कर रहे हैं, आप नहीं उनका ध्यान रख रहे हो। अब देखिए,
नंबरदार, मैं कल गया था तहसील डिस्ट्रिक्ट रियासी में, चिल्ला रहे हैं लोग, बाहर आ गए हैं लोग सड़कों पर, और खलबली मच गई। प्रॉपर्टी टैक्स की बात करें, हर सड़क पर हर दुकानदार के पास खड़े जाओ, वो कान खड़े हैं उनको, कहते हैं जी क्या हो गया ये कहाँ से आ गए। तो इसलिए ये बहुत ही आप देखिए रामबन में क्या हुआ, हमने पद यात्रा की, हमने कहा कि ज़मीन फट रही है, हमने कहा गलत प्लानिंग है जो आप ब्लास्टिंग कर रहे हो, पहाड़ टूट रहे हैं, आप फ्लाई ओवर बनाओ जी। मैं एज PW मिनिस्टर रहा हूँ, मुझे पता है। तो मुझे एक ब्यूरोक्रेट कहता है, सर आप जोशीमठ का नाम नहीं लो, आप क्यों कहते हो, आप खुद ही कह रहे हैं जोशीमठ, बिल्कुल आप सारे कह रहे हैं कि जोशीमठ बन रहा है, पहले क्या था इनको। तो ये अकल नहीं आ रही, इसलिए मैं अपील कर रहा हूँ, लोगों के साथ रब्ता रखो, ग्रास रूट इंस्टीट्यूशन को जिंदा करो, यहाँ जहाँ कमज़ोरी है ठीक करो, जो गलत है उसको सजा दो, और दूसरा सिक्योरिटी फोर्स का भी आप हाथ बंद कर दोगे। मुझे पता है जब पुंछ रजौरी के अंदर क्या कैसे लड़कों को मैंने जेलों से छुड़ा के वहाँ सामने लाए, जिनके ज़रिए हमने होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के साथ बात हुई, तो जिनकी वजह से हमने वहाँ पर शांति कायम करवाई। आप क्या कर रहे हो आखिर में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, होम मिनिस्टर से आप क्या अपील करना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, एक तो इमीडिएटली यहाँ पर एडवाइजरी काउंसिल जो है, एडवाइजर बढ़ाएं, एडवाइजरी कमेटीज़ आगे वो बनाएं, लोगों के साथ रब्ता हो। दूसरा, नंबरदार चौकीदार जो ग्रास रूट इंस्टीट्यूशन है, असली जो आपके इन्फार्मर हैं, आँखें और कान हैं, उनको मजबूत करिए, ज़िंदा करिए, जो गलत है उसको सजा दीजिए। और तीसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ का हेरिटेज, यहाँ के पहाड़ बचा लो, क्योंकि आप इसको ख़त्म करके, यहाँ देशभक्त लोग रहते हैं, इनकी रोज़ी रोटी ख़त्म करके आप इनको चला लोगे, ये पॉसिबल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। ठाकुर कुलचैन सिंह चाड़क जी थे हमारे साथ, जो यहाँ पर इशारा कर रहे थे और केंद्र सरकार से अपील कर रहे हैं कि जितनी भी यहाँ पर एडवाइजरी कमेटी है उसको जो है एक्सपेंड किया जाए, नंबर ऑफ एडवाइजर्स जो हैं वो यहाँ पर इंक्रीज किया जाए, जिनका रावता जो है लोकल लोगों से हो, जो लोकल लोग इस समय अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं उनकी समाधान निकालने का जो है पूर्ण रूप से वो प्रयास करें। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहें एक्सेलशन न्यूज़।